देश में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर से गहराता दिख रहा है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह हर रोज आने वाले मामलों की संख्या बढ़ी है, उससे सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। यही कारण है कि बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात को स्वीकारा कि कोरोना पर हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। सरकार का ये भी कहना है कि हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सरकार ने इशारे में ही सही लेकिन ये बात साफ कर दी है कि अगर ऐसे हालात बने तो लॉकडाउन देश में फिर वापसी करेगा, लेकिन वो कैसा होगा वो भी आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को हिदायत दी है कि वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित न रहें, बल्कि जिला स्तर पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लगा सकते हैं। कई जिलों में कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर ये बात कही गई है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोरोना की नई लहर जिस तरह तेजी से बढ़ रही है, उससे हमारे स्वास्थ्य ढांचे की ही चरमराने का खतरा पैदा हो गया है। इस मौके पर किसी भी तरह की ढिलाई की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी केंद्र ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन तो आ रहा है, लेकिन जहां इसकी जरूरत है इस बार का लॉकडाउन जिला स्तर पर कलेक्टर लगा सकेंगे और सरकार ने इसकी अनुमति भी दे दी है। वहीं महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाने की बात कही है। टोपे ने कहा है कि अगर कोरोना मरीजों की संख्या इसी प्रकार से बढ़ती है तो लॉकडाउन लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प सरकार के पास नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की कैबिनेट जल्द फैसला लेगी। टोपे ने बताया कि हम कोरोना मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, हालांकि ये लॉकडाउन कितने दिन का होगा इस पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लॉकडाउन एक सप्ताह का होना चाहिए, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चेन को तोड़ने के लिए कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन करना आवश्यक है। वहीं आज जब एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से पूछा गया कि देश में फिर से लॉकडाउन लगने की कितनी संभावना है, तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाना तो मुश्किल है। मुझे लगता है कि जिन इलाकों में अचानक केस बढ़ गए हैं उनकी पहचान करके छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएं, जो स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन की तरह ही होंगे। ऐसे इलाके में हर व्यक्ति की जांच करके पॉजिटिव पाए गए लोगों को आइसोलेट करें और इलाज करें। उन्होंने कहा कि पहले यही रणनीति अपनाई गई थी, अब भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अगर हम कंटेनमेंट जोन बनाएंगे तो शहर के दूसरे हिस्से संक्रमण की चपेट में आने से बच जाएंगे। यही उन्होंने भी जिलेवार लॉकडाउन पर सहमति जताई, जो कि केंद्र सरकार ने भी बताया है। यानी साफ है कि लॉकडाउन तो आ रहा है, लेकिन वो इस बार पूरे देश में नहीं बल्कि जिले भर का होगा। वहीं आज महाराष्ट्र में कोविड 19 मामलों की बढ़ती संख्या के बाद नंदुरबार जिला प्रशासन ने बुधवार यानी कि आज 31 मार्च की आधी रात्रि से 15 अप्रैल की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। पिछले कुछ दिनों से जिले में कोरोना मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं खबर है कि महाराष्ट्र में अप्रैल की शुरुआत में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। फिर भी अगर नए मामलों में कमी नहीं आई तो लॉकडाउन लगाने की भी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, यदि कोरोना की रफ्तार और लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई तो। आपको क्या लगता है, देश में लॉकडाउन वापस आएगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।